प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर में चुनावी अभियान का आगाज किया है। पीएम मोदी ने डोडा में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से ही ये प्रदेश विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया है। इसके बाद परिवारवाद ने इसे खोखला करना शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जिन राजनीतिक दलों को आपने चुना, उन्होंने आपको नहीं अपने परिवार को आगे बढ़ाया, जबकि यहाँ के लोग आतंकवाद की चक्की में पिसते रहे। इससे पहले पीएम मोदी ने स्थानीय भाषा में सभी लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान उपस्थित जनसमूह ने मोदी मोदी का नारा लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि हम और आप मिलकर एक सुरक्षित जम्मू कश्मीर का निर्माण करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि ये विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर इन तीनों खानदानों के चक्कर में पिसता रहा। उन्होंने कहा इस बार विधानसभा चुनाव तीन खानदानों और जम्मू के नौजवानों के बीच है। पीएम मोदी ने कहा कि एक खानदान कांग्रेस, दूसरा खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस और तीसरा पीडीपी का है। ये तीनों खानदान दशकों तक जम्मू कश्मीर की बर्बादी का जिम्मेदार हैं। पीएम मोदी ने कहा इन तीनों खानदानों ने जम्मू में करप्शन को बढ़ावा दिया है, जमीनों के माफियाओं को बढ़ावा दिया है। उन्होंने तीनों दलों पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को भी बढ़ावा देने का आरोप लगाया। आइए सुनते हैं इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने और क्या कुछ कहा। ये तीन खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन तीन खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशकों दशक तक बर्बादी देने के जिम्मेदार है। इन तीन खानदानों ने यहां करप्शन को बढ़ावा दिया। इन तीन खानदानों ने यहां जमीन कब्जा करने वाले गिरोहों को बढ़ावा दिया। छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आप लोगों को तरसाया गया, तड़पाया गया। सरकारी नौकरियों में सिर्फ उन्हीं लोगों को भर्ती किया गया जो यो इन तीन खानदानों के खास थे। पीएम मोदी ने परिवारवाद पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों के नए नेतृत्व को उभरने नहीं दिया जाए। उन्होंने कहा कि यहां पंचायत के चुनाव 2005 तक नहीं हुए थे, बीडीसी के चुनाव नहीं हुए थे। दशकों तक परिवारवाद ने यहां के लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया। पीएम मोदी ने आगे कहा आज जम्मू कश्मीर में तमाम विकास योजनाएं चल रही हैं, लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पीएम मोदी ने कहा कि जिन लोगों को आपने अपना माना, उन्होंने आपको कभी अपना नहीं माना। कांग्रेस शासन में गृहमंत्री तक लाल चौक नहीं आ पाते थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आए हैं वो किसी सपने से कम नहीं है। जो पत्थर पहले पुलिस और फौज पर फेंकने के लिए उठते थे, अब उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। उन्होंने कहा भाजपा जम्मू को टेरर फ्री प्रदेश बनाएगी। जम्मू कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग का दौर भी शुरू होगा। इसके लिए हम नई फिल्म पॉलिसी बनाएंगे। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म फलेगा, फूलेगा और दुनिया में छाएगा।